अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बात के साथ शीरीन हाजिर है। हमारे तीसरे मेहमान शेफ हैं तौकीर साहब। आजकल शेफ्स की बड़ी वैल्यू है और ओनर हैं देश प्रदेश रेस्टोरेंट के, और आजकल ये है कि शेफ्स आर इन डिमांड। फिटनेस के लिए हमारे साथ माशाल्लाह तौकीर साहब बैठे हैं। तौकीर साहब, आप इंटरनेशनली क्वालिफाइड हैं एंड यू आर सच अ वंडरफुल बिजनेसमैन तो हैं ही, शेफ आजकल देखा जाए कितनी अच्छी बात है डॉक्टर साहब के पढ़े लिखे लोग और ये इतना बड़ा काम करते हैं। शेफ साहब, आपको पता है कि यू कैन डू मिरेकल्स। अब जो ये खा रहे हैं और क्या खाना है, मैं आज आपसे पूछूंगी कि रमजान में थोड़ी सी बॉडी ऑफकोर्स ड्राइनेस भी हो जाती है, और मैंने रमजान में आपको बड़ी अच्छी अच्छी डिशेज भी देखी हैं। आप हमें आज ये बताएं कि जैसे अब चांद रात के बाद ईद आने वाली है, आप हमें लो फैट दो तीन हमें रेसिपीज बताएं, खर्चा भी कम लगे, घर में भी बन जाए और एक्सक्लूसिव हो। एक सैलेड बताएं, कोई एक चिकन की डिश बताएं, एक ड्रिंक बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे रास्तावली का आपने भी मेंशन किया, फवाद ने भी इस बात को कहा कि पानी का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। अब मुझे नहीं पता इसकी रीजन क्या है। हाँ। और इसकी बहुत सारी लोगों से पूछे कि आप क्यों नहीं पानी पीते, तो वो हॉस्पिटल में जाकर दो ड्रिप्स लगवा लेंगे लेकिन पानी नहीं पिए। तो ये अभी मेरे एक मैनेजर है, उनका लीवर इन द हॉस्पिटल एंड वेरी यूनिवर्सिटी। बाकी हमने अभी आपके पीटीवी में हमने 26 शो किए, तो हमने एक चीज को बड़ा एक्सरसाइज किया। फ्रॉम द डे वन दासा भी मेरे साथ एक शो में थे कि हमने लोगों को बताया कि तेल, मैंने आपको देखा जी हमारा एम्फोसाइज, मैं तो उसकी प्रैक्टिस करता हूँ लेकिन मेरी अगर सुनने से कोई दो चार लोग इसको चेंज कर लें तो दैट विल बी कोई अच्छी इसकी एक मेरे कहने से कुछ हो जाएगा। तेल हम बहुत यूज करते हैं घरों में, खासकर खावती कौन सा तेल, कोई भी हम तेलों में बहुत पकाते हैं, हम हर चीज तेल ना हम बेक करते हैं। अच्छा। ना हम बॉयल करते हैं। मैं आपको एक दो रेसिपीज बताता हूँ। आप मीट ले लें, ईद वाले दिन एक तो ये मीठी ईद है। मैं आपको एक छोटा सा केक की रेसिपी बताता हूँ जो कि आपने उसको बेक किए बनाना, बेक नहीं करना उसको, लेकिन वो हेल्दी है, आसान सा है, आप भी बना सकते हैं। अगर इनको बताऊंगी सब लोग घर में जाकर बना सकते हैं। तो अगर आप मीट से शुरू कर लें, आप मटन मैं अगर आप हड्डी वाला ले लें, लेके उसको आप पानी में डाल के सारे मसाले उसमें डाल के तेल नहीं आपने डालना, लाल मिर्च उसमें डाल दें, अपनी मर्जी के डालें। उसमें कोशिश करें कि अब उसमें जरूर इस्तेमाल करें, मीट की छोटी बोटी हो, करने के बाद उसमें सारी चीजें डाल दें जो आपके मनपसंद मसाले हैं। कोशिश करें कि 45 मसाले दें, ये जो हमारे डब्बे ना हो, क्योंकि उस डब्बों में उसमें नमक बहुत होता है। और जैसे आपने खुद ही क्या कर लोगों को बड़े जंग लोग हैं जिनको हार्ट ब्लड प्रेशर ज्वाइंट्स की बातें की हैं, ये सारी की सारी चीजें जो एक्सरसाइज उन्होंने बताई है वो तो मस्ट है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। खाने पीने में अगर आप अच्छा गोश्त में आप उसको कंप्लीट कर लें, पानी डाल लें फिर और, नहीं पहले आप उसे अपनी तरह के मसाले उसके अपनी जरूरत के मुताबिक उसमें आनियन डालें, अपनी जरूरत के मुताबिक उसमें आप टमाटर डालें, लहसुन डालें, एक्स्ट्रा डालें, अदरक डालें, एक्स्ट्रा डालें, पानी में डाल के चढ़ा दें, अभी डाल के उसको थोड़ा सा पानी डालें, पानी डालने के बाद उसको आप रख दें, बंद कर दें, उसको लो हीट पे छोड़ दें 20 मिनट के लिए। ओके 20 मिनट के लिए आप उसको उबलने दें। उबलने के बाद फिर उसको जब वो उसमें एक तो उबाले आए उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करें ताकि उसमें मॉइस्चर रहे। ओके करने के बाद आप उसको जो है निकालने के बाद आप उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल, अगर देसी घी और बटर मिल जाए असली, क्योंकि असल जो फैट है वो तो यही है। हाँ। जैसे आप शनवारी में जाते हैं ना, तो वो ऑयल में नहीं पकाते, वो आप नेचुरल फैट में पकाते हैं। ठीक है। अक्सर लोग उनको वो डाल के फिर उसको डाल के हल्का सा करने के बाद आप उसको छोड़ दें। उसके बाद आप बेसन ले लें, मीट ले लें, धनिया ले लें, वो जो चीजें हैं वो उसको जब तैयार बनने के लिए जैसे 20 से 25 मिनट की गेम है उसको बाहर निकाल लें। उसके निकालने के बाद आप उसकी ये सारी चीजें उसके ऊपर छिड़क के बाद उसको फिर दम पे लगा दें। उसको निकालने के बाद 2 चीजें हैं, एक तो मीट तैयार, उसको आप चावल के साथ ले लें, उसके साथ जिसको आप शोरबा कहते हैं, वो बेसिकली शोरबा नहीं है, जो हमारा आलू गोश्त वाला शोरबा है उसमें वो तरी घूम रही है ऐसी कोई चीज उसमें, उसको आप चावल के साथ ले लें, उसको आप चमचे से उसका सूप लें, और उसमें जो मीट है मीट को आप चावल से और थोड़े चावल लें, चावल थोड़े लें,
लेने के बाद आप उसको एंजॉय करें, बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं, इसको हम कहते हैं गोश्त तातारी। अच्छा, इट कैन बी चिकन ऑल्सो? इट कैन बी चिकन, लेकिन चिकन के बारे में बहुत सारी लोगों की रिजर्वेशन है। लोग देसी चिकन यू बिलीव? देसी तो उसका तो फिर आप जोड़ ही देना। आप देसी, अगर देसी का मतलब देसी, ये तो वाली देसी रंग देख ना मुर्गों को, अब देखना ये भी बड़ी चीजें हमारी मौसमी में आए कि हम आप मुर्गों को भी छोड़ते, उनको भी रंग दे के तुम डब्बों में आप जाते हैं ना ये कड़ाई गोशाला खाने के लिए, तो कहते जी ये 15-20 दिखाएंगे आपको, उनमें से आधे वो हैं जिनको उन्होंने रंग किया होता है। तो ये कोशिश करें कि अगर आपको मीट सही मिल जाए, देसी मिल जाए, गांव से मिल जाए, गांव से लाया हुआ मिल जाए, गांव से मिला हुआ आपको दही दूध क्रीम लस्सी, ये चीजें आपको। गांव से याद आया डॉक्टर साहब, तो सभी साउथ पंजाब दही वे इस तरह की बुलेंद वे आई विल टेक द लिबर्टी, सारे पास जिम्मे देसी मुर्गियां घर एच वदियां उनियां रोटी खाने कोई खाद खाद नहीं खानियां जी बिल्कुल, वो असली है उन्हें भी गाल करें जी, जो एक्सरसाइज करें ना 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 जी हां जी हां, डब्बे खड़ के उठे ही नहीं खड़े होने, वो थे जो चुकर नाल पल दिए हैं तो वो हेल्दी इज टॉकिंग अबाउट दैट, ऑर्गेनिक फूड खाओगे ना, देखो आज वाला ईद के लिए ईद में एक चॉकलेट केक है उसमें आप तो ड्रिंक का दर बता दो। अब ड्रिंक मैं जो मेरी पसंदीदा ड्रिंक है सबको मैं रिकमेंड करता हूँ, आप मुझे अपना शेफ डॉक्टर कह लें, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, मैं मिंट लेमनेड इज माय फेवरेट बता दें, उसमें आपने बेजल लेना है, उसमें आपने मिंट लेना है, उसमें आपने लेमन लेना है, लेमन उसमें लेके आपने थोड़ी सी आइस लेनी है, थोड़ी सी आइस लेके तो जरा हाथ भर के लीजिएगा मिंट और बेसन, फ्रेश आपको जगह जगह मिल जाता है। शेफ जी ये बताएं, हमें इतनी ईमेल्स आती हैं पतले होने के लिए, मुझे खुद बहुत जरूरत है, तो मेरे जैसे जो और लोग हैं आप ये बताएं क्या सैलेड हो, क्योंकि जो कच्चा सलाद है बहुत ज्यादा वो अल्सर पेशेंट्स के लिए नहीं अच्छा, तो आप कोई बताएंगे जो प्रेजेंटेबल भी हो और वो इस वेट को भी लूज करे, ऑर्गेनिक सब्जियां और इनका भी बड़ा ट्रेंड है। आपने डिप्रेशन का एक लफ्ज बोला, हाँ तो डिप्रेशन के लिए अच्छा फूड जो है ना डिप्रेशन में कमी का बैस बनता है। अच्छा फूड का मतलब ये नहीं कि आप बड़े फाइव स्टार रेस्टोरेंट होटल में खाना खाएं, मैं घर की बात कर रहा हूँ, सारी बातें घर के किचन से, किचन की घर होम किचन। सबसे पहली बात है कि अभी आपने जो शहबाज शरीफ साहब की बात की है, कम खाते हैं लेकिन जो आप बिल्कुल नहीं खाते फिर उससे तो गुजारा नहीं है, लेकिन कम खाने का ये देख लें कि मैं 24 घंटे में एक मील लेता हूँ, मैं 24 आवर्स में एक मील लेता हूँ, पर मुझे ये मील लेते हुए तकरीबन को आज 20 साल हो गए। क्या लेते हैं? मील लेता हूँ क्या लेते हैं? मैं जो भी मैं डिसाइड करूँ, मैंने दाल लेनी है, मैंने सब्जी लेनी है, मैंने हफ्ते में 3 दिन मीट खाना है, मैंने डिसाइड किया हुआ। देखिए मीट में अंडा रोज खाएं, लेकिन फिर अंडे पे डिपेंड करता है कि आज जो अंडा आज मिल रहा है हमें ना मार्केट में, मुझे थोड़ा सा उस पर डाउट है। हम 10 साल पीछे चले गए तो एक बड़ा हेल्दी अंडा, उसमें न्यूट्रिशन थी, उसमें एक डाइट थी, तो मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अंडा जरूर खाएं लेकिन रोजाना ना खाएं, 4 दिन खाएं, एक अंडा ले लें, 2 अंडा ले लें, लेकिन ये अगर आपने बॉयल करना है तो उसको इतना ज्यादा हार्ड बॉयल ना करें अगर आपने करना है। अगर आपने उसको मतलब मैं मेरे साथ अगर आप सैरी करें तो आप देखेंगे कि मैं अपना जो ऑमलेट बनाता हूँ उसमें मैं तेल नहीं डालता। अच्छा, मैं उसमें तेल नहीं डालता, मैं अंडे को जो नॉन जो नॉनस्टिक की पैन है मैं उसमें बनाता हूँ, और तेल सिर्फ इतना समझ लें कि हार्डली वो जो मेरा बेस है ना पैन का उसको टच करता है, दैट्स इट, उसमें जाता है वहीं पे 2 दफा उसको। तो टाइम इज वेरी शॉर्ट, मैं क्विकली आपसे, आपने एक एक वर्ड में मेरे आंसर देते जाने हैं, बिकॉज क्विकली दिस इज द बेस्ट फ्रूट फॉर ओल्ड पीपल, वन फ्रूट। फवाद ने भी 2 चीजों का जिक्र किया है, आप जो बनाना है वो आप जब मर्जी ले लें, लेकिन ये उसके पास कुछ लोगों के ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है शायद आपको, तो उसको नजर में रखें ये चीजें, ये अराउंड द ईयर। ओके, व्हाट डू यू से अबाउट विच नट्स? मैं तो जी सारे नट्स लेता हूँ, मेरे तो अगर कोई आप रिकमेंड नट्स, बादाम खाएं, बादाम जरूर खाएं आप, किशमिश मुनक्का, हाँ वो लाजमी, लेकिन बादाम लें 5-6 बादाम, आप रात को पानी में भिगो दो, फिर दो बिस्तर के पास सुबह आते हैं उसको पील करें और खा लें सीधा। अच्छा, बस उसमें इसी को आप अखरोट की क्या होता है? अच्छा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर बातें वही पता लगी कि गरीब लोग कहेंगे जी इतनी महंगी महंगी चीजें हमें बताते हैं, अब जो चीज हमें से ले सकते हैं काजू ले सकते हैं। अच्छा जी, सब्जी कौन सी खाई जाए? देखें जी पालक, जो अल्सर पेशेंट्स हैं वो पालक नहीं खा, पालक नहीं ले सकते तो आप दालों के आ जाए,
अच्छा, कौन सी दाल आप सजेस्ट करेंगे? पूरी फैमिली जो दालों की है हम उसको बनाते हैं, दाल माश ले लें या अपना बीन्स में चले जाएं, आप ब्लैक बीन ले लें, आप ब्राउन बीन ले लें, चने भिगो के, क्या बात क्या बात, लोगों को असल में ना वो हमारे पता नहीं मुझे क्यों लोग शर्माते हैं, बताते हैं लोगों को कि हमने दाल या हमने चने खाए हैं, आप इस पूरी फैमिली में चले जाएं दालों की, कुछ भी ले लें, और फिर हम बनाते हैं खट्टी दाल, कल परसों बनाई थी, आप उसका सूप बना के लें जैसे होल मील, इंतहाई सस्ता और जिसम जल्दी से एक सेकंड में बताएं जी, कौन कौन सी दालें लें? दालें सारी पूरी फैमिली की, सारी फैमिली की थोड़ी थोड़ी ले लें, ले लें, बेशक उनको मिक्स भी कर लें, नहीं मिक्स करना आपने तो जो चीज आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप चने में तो चने की पूरी फील्ड में चले जाएं, उनमें कोई उठा लें और फिर उनको बॉयल करने के बाद उसमें फिर अगेन तेल और लाल मिर्च दोनों में हाथ कंट्रोल करें, क्योंकि हम बहुत इन चीजों से हमारी जो खूबसूरती है फूड की वो तबाह कर देते हैं। अगर सुनने वाले अगर किसी को कोई शक हो तो मैं मेरे पास आपने अभी तक सलाद नहीं बताया, जल्दी से बता दें। सलाद में आप ग्रीन पे चले जाएं, उसमें आप खीरा ले लें, टमाटर ले लें, आनियन अपना ऑनियन ले लें, फिर उसके बाद मैंने आपको पहले बता दिया बेसिल डालें उसमें, उसमें आप मिंट डालें, मिंट के साथ लेमन डालें, लेमन के साथ ये अगर ऑलिव अपने तेल उसमें डालना है, ऑलिव ऑयल अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह आधा चम्मच, आधा चम्मच और बहुत पूरा भर के सैलड पूरा भर के, ठीक है जी। अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो सब्जियां जो है उनको काट लें, हल्का सा उनको बॉयल कर लें, बॉयल करने के बाद उनको हल्का सा मामूली सा काली मिर्च वो लगा लें, वो उसको आप फ्रिज में रख लें, बाहर निकाल के आप उनके चमचे के साथ ले लें, तो सैलड में भी हर वो चीज जो कि जिसम के लिए बेहतर है लाइट है, खाने के बाद आपको ना भारी महसूस ना हो, बहुत जरूरी है चीज आपके लिए। अच्छा तो फिर जी कहीं आप खड़े हैं, कुछ खाने को नहीं है, आपके पास पैसे भी नहीं है, तो आप क्या ऐसी चीज है एक गरीब आदमी को आप सजेस्ट करेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि वो खाएं? गंदम, ये सारी सब्जी या कोई फ्रूट में एक चीज लेनी है, क्या लेने? गरीब आदमी तो जी एक तो फवादे पहले कहा था पानी मत भूलिएगा, हम खुराक में पानी को काउंट नहीं करते, हालांकि खुराक पानी से ही बनती है, तो पानी को मत भूलिए, जितना आप पी सकते हैं ये तो आपके जिस्म के लिए एक रूह अफ़ज़ा है, बगैर पैसे खर्च किए, उसके बाद जो चीजें आपने मेंशन की हैं उसमें से जो अवेलेबल हो लेकिन उसकी जो मिकदार है ना उसको थोड़ा कंट्रोल करें, हाथ भर के ना खाएं, मुट्ठी में खाएं। अच्छा मुझे मैं कहें चले ये बात सही है जी, आपको मैडम जो आप बात कर रहे हैं, हाँ रमजान के बाद जो है जो एक्टिविटीज है उनमें इसी से तसल्लुल है कि हम रमजान में ये जो प्रैक्टिस करते हैं कि अपने आप की खुराक भी कंट्रोल करते हैं इसी को हम आगे कंटिन्यू करें। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जब आप खाएं तो कुछ पेट में जगह रख के मेले में खाएं। सलमा आप इतनी देर से बैठी हैं, आप हमें कोई हम सुनाएं। करम हो करम या इलाही, करम हो करम, हो करम या इलाही, मिटे सारे रंजो अलम या इलाही, करम हो करम, हो करम या इलाही, रहमत दा दरिया इलाही, हर दम वगदा तेरा मौला, रहमत दा दरिया इलाही, हर दम वगदा तेरा, जे तो कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा, करम हो करम, हो करम या इलाही, मेरी हर Amen.
تیرا ذکر ہو دم بدم یا الہی تیرا ذکر ہو دم بدم یا الہی مٹے سارے غم جو عالم یا الہی کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی کبھی تیرے سرور کی تیرے جبینِ طلب ہو نخم یا الہی جبینِ طلب ہو نخم یا الہی مٹے سارے رنج و الم یا الہی کرم ہو کرم ہو کرم یا جزاک اللہ جزاک اللہ بیٹا جزاک اللہ ویسے اتنی بڑی بی بی نے بہت اچھی پڑھی ہے لیکن دس از ویری انفارچونیٹ دیٹ دیز ڈیز وی آر سوشلی ویری ویل کنیکٹڈ بٹ پریکٹیکلی وی آر الون اینڈ مینٹلی وی آر ڈپریسڈ کیوں ڈاکٹر صاحب دس از ویری انفارچونیٹ کہ پتہ نہیں ہمارے اندر کوئی غلطی ہے پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ایسے ہی ہے بہت بھری دنیا میں آپ بہت بڑے لوگ ہیں لیکن اندر سے آپ اکیلے ہیں بھری محفل ہے لیکن اندر سے اکیلے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عید کی خوشیاں نصیب کرے ہماری قوم کو ایک پیغام کوئکلی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو آپ کیا پیغام دیں گے پرائم منسٹر صاحب جملے میں کہ جنوبی پنجاب کی طرف بہت زیادہ آپ توجہ دے کچھ تو انہوں نے کیا مزید ابھی اور ضرورت ہے کیونکہ وہاں بہت ان ڈیولپ وہ تو خیر میں بھی آپ کے ساتھ جنوبی پنجاب کا بھی ایک اندر ہے وہ کدو ہے بکر ہے نہیں ہے یہ زیادہ جو ہے مزید اس کے جو ہے بیٹا اف یو ہیپن ٹو میٹ پرائم منسٹر صاحب ون سینٹینس واٹ وڈ یو آسک فرام ہم آئی تھنک وی شوڈ گیو شیلٹر اینڈ فوڈ ٹو دی ہوم لیس جی توقیر جی ایک تو کوئکلی بیٹا ٹیل یور ای میل fawad-ali@live.com fawad-ali@live.com جی توقیر جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے کیا مانگیں گے میں امریکہ میں رہتا ہوں جی میں مڈرول فریزم میری ایک ہی استدعا ہے سارے پاکستان سے پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہ جو باہر کے لوگ ہیں نا جب وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی ریسپیکٹ دیں ریسپیکٹ جی رسپیکٹ تو بہت دیکھتے ہیں چلے میں اپنے ایکسپیرینس بتاؤں چلے آپ کی خواہش ہے 35 سال لیکن میرا خیال ہے پرائم منسٹر کا بڑی پرائم منسٹر کی بھی بات کریں میں ایز اے نیشن بات کر رہا ہوں